नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पता नहीं राजस्थान कांग्रेस की दशा और दिशा को किसकी नजर लग गई है कि राजस्थान में पायलट गहलोत का लंबे अरसे से चला आ रहा झगड़ा सुलझ ही नहीं पा रहा। दरअसल कहा जा रहा था कि पंजाब कांग्रेस का विवाद अब सुलझ गया है और अब बारी राजस्थान की आ गई है, लेकिन उससे पहले ही कल से जिस प्रकार से पंजाब में सियासी तपिश परवान पर है वो नज़ारा पूरा देश देख रहा है। वहीं इसके इतर जब से राजस्थान में दो सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है तब से अब सियासी गलियारे में ये चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार बहरहाल उपचुनाव तक फिर से टलता हुआ नजर आ रहा है। गौरतलब है कि पिछले लंबे अरसे से कई मर्तबा मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें परवान पर गई। इसके पहले तो ये तक हुआ कि मंत्रिमंडल विस्तार कल परसों चंद दिनों के भीतर हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की जब जब भी खबरें आए उसके बाद फिर पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब एक बार फिर से ये खबरें आई थी कि नवरात्र के वक्त मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां पूरी कवायद कर ली गई है, लेकिन जब से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तब से एक मत ये भी सामने आया है कि मंत्रिमंडल विस्तार बहरहाल एक बार फिर से टल गया है। लेकिन सवाल ये है कि यदि इस प्रकार से मंत्रिमंडल विस्तार टलता रहेगा तो जो पायलट कैंप की जो लंबे अरसे से मांग है, जो पायलट कैंप की बेचैनी है, वो कैसे दूर होगी, क्योंकि राष्ट्रीय फलक पर भी कांग्रेस पार्टी इन दिनों काफी विचलित नजर आ रही है। पंजाब का प्रकरण सुलझ नहीं रहा, लेकिन उसके इतर कन्हैया कुमार जैसे नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिग्नेश मेवाड़ी जैसे नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, तो कांग्रेस पार्टी के जो एक धड़े का ये कहना है कि एक ओर तो जो पार्टी के अंदर युवा नेता हैं उनकी समस्याएं आलाकमान को नजर नहीं आ रही, लेकिन दूसरी ओर कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी जैसे नेताओं की आप पार्टी में एंट्री करवा रहे हैं तो कम से कम जो पहले से युवा नेता मौजूद हैं उनकी समस्याओं का निदान तो कर दे आलाकमान, उसके बाद अन्य नेताओं को ले। जाहिर तौर पर ये तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं इन दिनों कांग्रेस गलियारे में परवान पर है, लेकिन बात जब मंत्रिमंडल विस्तार की करें, यदि मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो पायलट कैंप के दो ऐसे चेहरे हैं जिनकी चर्चाएं सबसे ज्यादा हैं और अटकलें भी लगाई जा रही हैं। दरअसल पहला नाम है रमेश मीणा का। रमेश मीणा पहले भी मंत्री रहे, लेकिन जब सियासी बाड़ेबंदी का दौर चला, दौरे बगावत चली, उस वक्त रमेश मीणा मानेसर गए थे, लिहाजा मंत्री पद उन्हें खोना पड़ा। अब कहा जा रहा है कि रमेश मीणा मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसको लेकर सियासी विश्लेषकों का मत है कि रमेश मीणा का एक बार फिर से मंत्री बनना लगभग तय है। लेकिन सवाल यह है कि पायलट कैंप के भूतपूर्व अर्जुन यानी विश्वेंद्र सिंह का क्या होगा, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह को लेकर अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत से उनकी नजदीकियां बढ़ गई हैं और उन्होंने पायलट कैंप से किनारा कर लिया, क्योंकि जब हाल ही में सचिन पायलट का जन्मदिन था और जब पायलट ने अपने आवास पर शक्ति प्रदर्शन किया था उस वक्त उस मंच पर रमेश मीणा तो नजर आए लेकिन विश्वेंद्र सिंह नजर नहीं आए, लिहाजा उस दिन से बिल्कुल साफ हो गया था कि रमेश मीणा की आज भी पायलट कैंप पर निष्ठा है, लेकिन विश्वेंद्र सिंह अब पायलट कैंप में नहीं रहे। विश्वेंद्र सिंह की अब पायलट कैंप में निष्ठा नहीं रही, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह उस दिन सचिन पायलट से मिलने गए लेकिन विश्वेंद्र सिंह कहीं नजर नहीं आए, और मौजूदा वक्त में भी लंबे अरसे से विश्वेंद्र सिंह ओझल से हैं। राजनीतिक मामलातों पर वो मुखर होकर अपनी बात करते थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से वो कुछ नहीं कह रहे, लिहाजा उनके मंत्री बनने पर संदेह सा नजर आ रहा। सियासी विश्लेषकों का कहना है कि विश्वेंद्र सिंह मंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, और यदि बनेंगे
तो गहलोत के कोटे से बनेंगे या पायलट के कोटे से बनेंगे, क्योंकि पायलट के कोटे से अब मंत्री बनने की जो संभावना है वो नगण्य नजर आ रही। तो सवाल ये है कि गहलोत कैंप में तो ऑलरेडी एक लंबी लाइन लगी हुई है, एक लंबा कारवा है नेताओं का, तो फिर विश्वेंद्र सिंह वहां पर कैसे एडजस्ट हो जाएंगे? ये तमाम जो सवालात हैं वो सियासी गलियारे में चर्चाओं पर है। दोस्तों, इन तमाम सियासी उठापटक पर द फैक्ट इंडिया टीम की निगाहें बनी हुई है। कल फिर एक बड़ी खबर लेकर मैं आप सबके समक्ष हाजिर हूँ। नमस्कार।